वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ डेंटिस्ट के यहाँ, और मुझे खड़खड़ी बात करनी पड़ेगी क्योंकि आगे मुझे पता नहीं कहाँ पर सीकर है। तो मैं हो गया हूँ रेडी, और बाकी दो तीन जने जो है मामा और डैड वो भी नहीं रेडी हुए क्योंकि मैं रोटी खाने से पहले ही तैयार हो चुका हूँ, और वो बाद में तैयार होंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और शायद हम शॉपिंग भी करें क्योंकि घर के लिए सामान चाहिए। तो मैं तब का व्लॉग बनाऊँगा, तो मिलता हूँ जब हम जाने लगे। हम पहुंच गए मुक्सर बी सिटी में, और यहाँ पे हमने भी घर डाला है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और ये जो पिछला घर है ये मेरी मासी का है, यहाँ पे अब हम ठहरे हुए हैं, और ये हमारा घर है अभी डाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो गाइस, मैंने सोचा कि मैं आपको होम टूर भी दे दूँ जो हमारा घर बन रहा है, और उसका तो मैं बाद में दूंगा जो विलेज वाले हॉस्पिटल वाले, पहले इसका दे देते हैं। चलो मैं आपको पहले आपको बिल्डिंग दिखा देता हूँ। ये देखो ये बिल्डिंग है इतनी। चलो चलते हैं अंदर, यहाँ पे ड्यूटी कुर्सी पड़ी है पता नहीं किसकी, तो हम अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाती है एंट्रेंस। अभी वैसे हमने कुछ फर्नीचर का काम नहीं करवाया, अभी सिर्फ बिल्डिंग है, ये हमारा घर है। ये हो गया किचन, और ये भी एक रूम है, और यहाँ पे आज हम बॉटल लेके आए थे पानी वाली, ये वो पानी है। और मैंने यहाँ पर रखा है, और ये एक और कमरा, और ये लॉबी, और आज हम सामान लेके के आए थे यहाँ पे पता नहीं क्यों लेके आए। और ये हो गया लिविंग रूम, और अब हम जाते हैं ऊपर जो मैं अपना रूम भी दिखाऊंगा और हैरी का भी। और फिर हम जा रहे हैं ऊपर, देखो अभी कुछ ना फर्श भी हमने टाइल्स का पता कर रहे हैं कि कब लगवानी है, तो तब अभी तो ये है मेरा रूम, और ये है हैरी का, यहाँ पे पाइप पड़ी हुई है पता नहीं, ये बाद में हम निकालेंगे। और ये है पूजा रूम जो कि होगा बाबा जी का रूम होगा ये, और ये होगी लॉबी जो आउटसाइड बालकनी सॉरी। और यहाँ से व्यू देख लो आप, और वहाँ से वो किंग क्लिफ होटल दिखता है पर आपको नहीं दिख रहा होगा, पर मुझे दिख रहा है वो मेन रोड पे कोटकपुरा रोड पे है, वो आपको जो मुक्सर में रहते हैं उनको पता होगा। और यहाँ पे हमने लगाना है ग्लास, लगाना है ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पे तो हमने ग्रिल ही लगाई हुई है। और यहाँ पे एक बाथरूम छोटा सा, पर ये अटैच नहीं है क्योंकि हमने वो बाहर रूम्स के साथ लग गए ये बाहर जाने के लिए। और ये हो गया गेट, अभी शायद गेट को चेंज करवाना है, ये वाला टेम्प्रेरी लगाया है। और बाकी देख लो व्यू, अब मैं आपको पूरा टॉप पुटले इससे आगे वाली स्टोरी पे भी दिखा देता हूँ। और ये इधर वाली लॉबी हो गई, और ये हो गया यहाँ पे जंगला जो कि नीचे दिखेगा हम कैसे उतर रहे हैं, और वो मासी जी का घर है, और ये पता नहीं किनका घर है। और चलो चलते हैं ऊपर, और बाकी यहाँ पे धूप बहुत है, मुझे गर्मी बहुत आ रही है, कैमरा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, ये बात अच्छी है। और ये देख लो यहाँ पे हमने टैंकी रखी हुई है, वाटर टैंक, ये है ग्रीन कलर का। और वहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, वो पता नहीं और हट बनाई है यार वहाँ पे। और ये देखो ये उतला, यहाँ पे दो ड्रम लगे हैं ऑयल वाले, और यहाँ पे नीचे हमने ये लगाना है इलेक्ट्रिसिटी सोलर वाला, सोलर पैनल वाली। और यहाँ पे हमने ग्रिल लगवाई है, और सबसे टॉप व्यू भी देखो आप, देखो और वो आगे से काट हुआ रहा है, कितनी दूर दूर तक दिखता है आपको, देखो गाइस। चलो मैं आपको पहले व्यू दिखाता हूँ, जा रहा हूँ नीचे। तो नीचे जाते वक्त मैं आपसे कोई बातें कर लेता हूँ, पर मुझे कैमरे की तरफ
देखने के लिए दिक्कत होगी, दिक्कत कह रहा हूँ, दिक्कत होगी, कुछ नीचे देखकर चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और अब मैं पता नहीं क्या करूँगा, शायद मैं आपको मासी जी के घर का भी टूर दे दूँ, शायद पर शायद। और हैरी पता नहीं कहाँ गया, वो नीचे ही चला गया होगा, और मैं यहाँ पे अकेला हूँ। और मुझे घर को लॉक भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि खुला भी मैं नहीं था, और हैरी तो वो तो चला गया। और तब हम जब, और ये तो हैरी, और अब मैं जा रहा हूँ घर पर, और ये तो यहाँ पे बैठेगा, मैं उधर जा रहा हूँ। चलो मैं आपको वहाँ पर मिलता हूँ। इनका टूर देना तो भूल ही गया। और तो देख लो आप, यहाँ पे सीमेंट पड़ा हुआ है, नहीं रेता पड़ा हुआ है, ये हम बाद में उठवाएंगे, अगर कोई नीड होगी तो कंज्यूम हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे पड़ा रहेगा, और हम उठवाएंगे इसको। और यहाँ पे है कितने पेड़ लगे हैं, पेड़ मीन कभी पौधे ही हैं ये अभी। और यहाँ पे सब्जियाँ लगी हैं बहुत, अभी हमने इन्होंने चेंज किया, और इनकी देखभाल तो ये मासी जी करते हैं, मासी जी घर, और उनके हस्बैंड वही करते हैं। तो उनके पास एक चाबी है, वो यहाँ पर आकर उन्हें पानी लगा जाते हैं अलग। ये देखो ये मिर्ची का बूटा भी है, अगर मिर्ची का हो शायद नहीं है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, और ये तो सफ़ेदा ही है। तो आप, मैं आपको दे देता हूँ सारा टूर। और यहाँ पे फूल उगड़ा पड़ा, वो मुझे पता नहीं किसका। और आप देख लो वहाँ पर भी छोटा सा कबाड़ था ना, वहाँ पर भी हमें उठाना पड़ेगा। ये देख लो, ये हमारा घर है, ये मासी जी का है, और बीच में ये गार्डन है। तो चलो अब मैं आपको उधर ही मिलता हूँ, बाय। हमने यहाँ पे डेरा लगा लिया है, लगा चुका घर लगा लिया हमने। यहाँ पे दो मैट, ये इसके नीचे मैट है, और चादर मैंने बिछा ली। और यहाँ पे मैं अभी लेटा था, और वहाँ पे मेरे शूज़ पड़े हैं, और बाल मॉम चूल्हे पर खुद बनाकर चूल्हे पर चाय बना रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वैसे तो हम अपने मासी के घर पर भी चाय पी सकते हैं, पर नहीं, वो मॉम कह रहे हैं इसलिए। और खैर यहाँ पे फ़ोन चला रहा है, और मैं यहाँ पे ब्लॉग कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो क्या ज़्यादा हम पौड़ियों के नीचे बैठे हैं निकलो, और इधर यहाँ पे बैठे हैं, पौड़ियों के नीचे जगह नहीं होती ना वहाँ पे। तब तक मैंने सोचा कि मैं आपको अपने बैग का वो दिखा दूँ, टूर दे दूँ, या फिर जो भी कह लो इनर भी दिखा दूँ। तो ये है मेरी जिप, यहाँ पे दो डब्बियाँ हैं एन के वाली, बहुत कुछ है इनमें भी। और इसमें मैंने ये भी खाली पड़ी थी, इसमें मैंने एक स्टार लगा लिया, और इसमें है पेंसिल, जो भी कुछ होता है पढ़ाई का सामान। और एक ये मेरी खुद की एन के वाली डब्बी, जिसमें अपनी स्पेक्स रखता हूँ। और ये देखो ये, और इसको हम बीच में डाल देते हैं। और बाद में ये जो पाती है, इसमें मेरा सारा स्टेशनरी का सामान है, मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। और मुझे एक हाथ से जिप खोलने में बहुत आ रही है दिक्कत, यार खुल जा, हाँ खुल गए खुल गए खुल गए। तो ये देखो गाइस, पहले मैं अच्छे से खोल लेता हूँ, फिर आपको देखना, ठीक है। तो गाइस मैंने खोल लिया है, ये मेरे पेन है, और पीछे हैरी के गेम की आवाज़ आ रही है, इसे प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि वो गेम खेल रहा है। और ये खाली है क्लच पेंसिल का, जो मुझे चाहिए थी, ये क्लच पेंसिल पड़ी है, और इसके सिक्के भी ये पड़े, ये स्केल पड़ा है, और ये क्रेयॉन्स, ये तो आप सभी को पता ही होगा डॉम्स के होते हैं। और ये पेन, ये है एक ग्रिपर सैलो का, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, ये भी डैड लेकर आए थे, ये जब मेरी नोटबुक कम्प्लीट लैब मैनुअल बना रहा था ना, तब मेरी ये इनक्रीपल ख़त्म हो गई थी, तब मैंने ये मंगाई थी, इनसे कंप्लीट की थी। फिर ये आ जाते हैं टेरामैक्स, ट्रामैक्स, ये भी आपको पता ही होगा, ये ब्लैक, दो ब्लू है, और एक ये है। इस पेन का मुझे नाम नहीं पता, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, ज़्यादा वो चीप भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। और ये बीच में डल नहीं रहा मुझसे, चलो ये तीन पायलट है, ये भी आपको पता है, ये पायलट भी फाइव है, तीनों के तीन ही, और एक ये मार्कर है, और तो कुछ नहीं, ये भी हाँ। और इसमें मेरे बैग का टैग है, बस आज के लिए हेडफोन वाली।
मुझे इसके अभी मेरा मन नहीं किया मैथ का, फिर मैंने हिंदी का शुरू कर दिया क्योंकि मैथ का मैंने आज करना है। हिंदी का थोड़ा सा रह गया, ये कर लिया हिंदी का ये, और ये चैप्टर में इसकी इतने पेज रह गए, ये दो पेज करने हैं और बाकी तो ये हो गया। और बाकी ये मैथ की बुक पढ़ी है बीच में, ये भी दिखा देता हूँ, ये हिंदी की बुक है और ये मैथ की है। वैसे आपको पता ही होगा कि मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ, तो बढ़ के अपनी अगली चुकी है। तो गाइस गाइस कल अगली मेरा कुछ नहीं है और सिर्फ ये अमेरिका इंटरनेशनल का टैग लगा हुआ है और पड़ा है ये हैरी के बैग का टैग पड़ा है और इसका एम आर पी वाला टैग नहीं है, बस ये सब टैग कर सकते हो जो कुछ कह लो बैग का भी हुआ। और इस ट्रिप में वैसे ही करूँगा मैं, कुछ करने का तो है नहीं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।